Hello and welcome to the class once again, students. We are talking about rules of direct and indirect narration. मैंने आपको बताया कि किस तरह से अगर reporting verb present, past या future tense में है तो किस type से हम उसका conversion करेंगे reported speech का. Present tense में है तो मान लीजिए reporting verb आपकी present या future tense में है तो reported speech का जो tense होगा वो remain रहेगा वैसे ही as it is, उसमें कोई changes हम नहीं करेंगे. रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस अगर पास्ट है और रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट टेंस के किसी फॉर्म में है तो हमने उसको किस में चेंज किया, अपने करस्पॉन्डिंग पास्ट फॉर्म में. इसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, दैट विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस व्हाइल कन्वर्टिंग द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. लाइकवाइज अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस में है तो शैल और विल जो आता है सेंटेंस में दैट विल बी चेंज्ड इनटू वुड व्हाइल कन्वर्टिंग द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. अगर वो शैल या विल आया हुआ है, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है, तो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय शैल या विल को किस में चेंज कर देंगे, वुड में चेंज कर देंगे. इसके अलावा आई टोल्ड यू अबाउट द एक्सेप्शनल केसेस which come as a statement in reported speech. If अगर वो reported speech के रूप में आते हैं तो direct से indirect narration बनाते समय चाहे उनका tense कुछ भी हो, चाहे reporting verb किसी भी tense में हो, हम उनके tense में कोई changes नहीं करेंगे. These exceptional cases are universal truth, habitual action, historical event, customs, proverb and imminent happening. That's all. इतना आपको clear हो गया? अब देर आर सम वर्ड्स, कुछ ऐसे शब्द हैं जो अगर डायरेक्ट स्पीच में है तो वेन यू कन्वर्ट द सेंटेंस इन टू इनडायरेक्ट स्पीच, जब ये शब्द जो कि डायरेक्ट स्पीच में है आप सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे, उन शब्दों में कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ परिवर्तन होते हैं. सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ राइटिंग कन्वर्शन टेबल. कन्वर्शन टेबल नोट कर लेंगे आप. शब्दों को किस तरह से चेंज किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे. ठीक है, दो कॉलम बना लीजिए, डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन. ठीक है, अब मैं आपको कुछ वर्ड्स लिखा रही हूं जो अगर डायरेक्ट नरेशन में आएंगे तो आप इनडायरेक्ट में उसको किस में बदलेंगे. जैसे एगो, बिफोर, कम, गो, हियर, देयर, हेंस, thence, hereby, thereby. This, that, these, those. कितना लिख लिया आप लोगों ने, मिटा सकती हूं ऊपर का. इसी तरह से नाउ देन जस्ट Then, इधर मिटा दो. Thus, so, today, that day. नीचे कंप्लीट हो गया है.
tonight, that night. Tomorrow, the next day. Yesterday, the previous day. Can you see the board properly? आपको दिख रहा है ना? चलिए ऊपर मिटा दें. इसी तरह से next week, next month, next year. अगर इस तरह के शब्द आते हैं next week, next month या next year, इनको हम चेंज करेंगे the following week, the following month, या फिर द फॉलोइंग ईयर. द फॉलोइंग ईयर. ठीक है, तो ये कन्वर्शन टेबल है. डायरेक्ट नरेशन में अगर इस तरह के वर्ड्स आते हैं, आप उनको जब इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे तो ये वर्ड इस टाइप से चेंज हो जाएंगे जैसा मैंने आपको बताया है. ठीक है, राइट डाउन. नीचे वाला हो गया, हम मिटा दें. अभी तक हमने assertive sentences में देखा कि किस तरह से हम narration change करते हैं direct से indirect बनाते समय. अब जिन sentences का हमको देखना है उसमें सबसे पहले है interrogative sentences, जिसमें हम helping verb questions लेंगे और question word questions लेंगे. मैं मिटा दूं, complete हो गया सबका. आपको रूल्स याद रखने हैं. जो रूल्स हमने assertive sentences के लिए पढ़े, रूल वन, रूल टू एंड रूल थ्री, कीप इट इन द माइंड एज वेल एज यू हैव टू कीप दिस कन्वर्शन टेबल इन योर माइंड व्हाइल यू कन्वर्ट द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वील सी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. As I have told you earlier, while teaching tense and while teaching voice, that interrogative sentences are of two types. First one is helping verb questions. And the second one is WH questions. We also call it question word questions. ठीक है, interrogative sentences का narration change करते समय जिन चीजों का आपको ध्यान रखना है उसमें सबसे पहली चीज है reporting verb.
जो रिपोर्टिंग वर्ब इसमें यूज होगी, प्रश्न पूछा जाता है, इंक्वायरी की जाती है ना? तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब आस्क, इंक्वायर, डिमांड एक्सेट्रा, इस तरह की रिपोर्टिंग वर्ब्स आप यूज करेंगे। जैसे जनरली हम जो सेंटेंसेस बनाते थे, सेड टू को हम टोल्ड में बदल दिया करते थे। टोल्ड का मतलब होता है बताना, है ना? लेकिन यहां पर प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक है? तो प्रश्नवाचक वाक्य होने के कारण पूछा, इंक्वायरी की, डिमांड किया, इस तरह की रिपोर्टिंग वर्ब आएंगी, ठीक है? समझ में आ गया? दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखने वाली है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस स्टेटमेंट्स में बदल जाएंगे, वाक्य में आप उसको स्टेटमेंट में चेंज कर दोगे, क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं रहेगा जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलोगे। वॉइस में हम क्या करते थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसका पैसिव भी हम इंट्रोगेटिव बनाया करते थे, आपको ध्यान है? लेकिन नरेशन में प्रश्न अगर पूछा गया है तो प्रश्न किस में बदल जाएगा, स्टेटमेंट में। क्वेश्चंस बिकम स्टेटमेंट्स व्हाइल कन्वर्टिंग द सेंटेंस। While converting the sentences from direct to indirect narration, तीसरी important चीज, assertive sentences बनाते समय आप कंजंक्शंस क्या यूज करते थे, दैट, याद है? हमने रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए, ज्वाइन करने के लिए हमने क्या यूज किया, दैट। यहां दैट का इस्तेमाल नहीं होगा, वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चंस। हम पहले हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं, अभी आप WH क्वेश्चंस को मत छूइए, इसको टच मत कीजिए। हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चंस के मामले में कंजंक्शन चेंज हो जाएगा, हम यूज करेंगे इफ या वेदर। इन हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चंस वी यूज, हम यूज करेंगे if or whether, as conjunctions, conjunctions के रूप में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इफ या वेदर का। यहां दैट नहीं लगेगा, रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चंस, क्वेश्चंस विच आर मेड विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, दैट यूज नहीं होगा, हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इफ या वेदर। और इफ या वेदर में इफ ज्यादा यूजुअल है, ज्यादा कॉमन है, वेदर का इस्तेमाल कम किया जाता है। They both have the same meaning, but we use if more. Usually आजकल weather का इस्तेमाल नहीं करते हैं, okay? If is more usual than the weather. If is more usual than weather. थोड़ा सा outdated हो गया है weather, तो हम if ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। आपको मैं एक बार और बता दूं, हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चंस, दूसरे WH क्वेश्चंस जो कि क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन भी कहलाते हैं, जो WH से बिगन होते हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, इस तरह के। इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, आप टेल या सेड यूज नहीं करेंगे, यहाँ आस्क, इंक्वायर, डिमांड या इस टाइप के वर्ड। आपको देखना पड़ेगा कि मूड क्या है, प्रश्न जो पूछा गया है उसके भाव, उसकी फीलिंग्स को देखते हुए आपको रिपोर्टिंग वर्ब वहाँ पे डालनी है, पर किसी भी हालत में से या टेल या सेड या टोल्ड नहीं आएगा। ओके, उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्टेटमेंट बन जाते हैं, आप उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में इनडायरेक्ट में नहीं बोलेंगे। जो सेंटेंसेस डायरेक्ट नरेशन में हैं वो जब इनडायरेक्ट में चेंज होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, स्टेटमेंट हो जाएंगे, ठीक है, आप उनको प्रश्नवाचक में नहीं बोलेंगे। एंड फाइनली हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चंस के केस में हम कंजंक्शन के रूप में इस्तेमाल करेंगे इफ या वेदर को, जिसमें इफ ज्यादा यूजुअल है, इफ का इस्तेमाल ज्यादा होता है। इज इट क्लियर? चलिए अब हम इसको एग्जाम्पलीफाई करते हैं, एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखते हैं। मिटा दूं इसको? पहले हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चंस। यहाँ केयर ये भी कीजिएगा, बोलने वाला कौन है उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रोनाउंस रखने हैं, इसलिए बहुत ध्यान में रखते हुए चेंज कीजिएगा। एक छोटी सी गलती आपके पूरे सेंटेंस को रॉन्ग कर सकती है, ठीक है। माय फ्रेंड सेड टू मी, Are you reading a novel? सेंटेंस को समझिएगा। My friend said to me, कौन किससे कह रहा है? मेरा दोस्त मुझसे पूछता है, पूछा past tense, Are you reading a novel? क्या तुम एक उपन्यास पढ़ रहे हो? सबसे पहले जो चीज आपको देखनी है, मैंने आपको बताया था कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो पहले आपकी नजर कहां जानी चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब के ऊपर, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब हमारी कौन से टेंस में है, से सेज है तो प्रेजेंट टेंस है, शैल से विल से है तो फ्यूचर टेंस है, सेड है तो पास्ट टेंस है। अब बताइए रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में है, डेफिनेटली रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है। यहां जो टेंस हम देख रहे हैं, आर यू रीडिंग अ नॉवल, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हमारा रूल ध्यान कीजिएगा, रूल 2A, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। किस में चेंज होना चाहिए इसको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज होगा बेटे, प्रेजेंट अपने करस्पॉन्डिंग पास्ट फॉर्म में जाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो चेंज हो जाएगा अपने संबंधित पास्ट फॉर्म में। और ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक स्टेटमेंट बन जाएगा जब आप इसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। ओके, चलिए करते हैं। माय फ्रेंड, अब बोलिए आगे, हम यहां पे टोल्ड बिल्कुल नहीं करेंगे, बताने वाली कोई बात है क्या, नहीं। मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, क्या तुम उपन्यास पढ़ रहे हो, पूछा है ना, तो यहां आप क्या लगाएंगे, आस्क्ड। माय फ्रेंड आस्क्ड मी, वेरी गुड, इफ, हाँ। अब सेंटेंस इंट्रोगेटिव है,
सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब हमने सब्जेक्ट के सामने रखा है, इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद भेज दीजिए तो सेंटेंस स्टेटमेंट बन जाएगा। ठीक है, इसका इंट्रोगेशन जो है वो खत्म हो जाएगा। सवाल ये है, यू आर कर दिया है ना, आर यू को हमने क्या बदल दिया, यू आर, लेकिन हमको इसको पास्ट में बदलना है। और मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि क्या तुम उपन्यास पढ़ रहे हो, तो मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि क्या मैं उपन्यास पढ़ रहा था, ये आना चाहिए आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो यहां पे कैसे चेंज करेंगे, इफ आई पास्ट कंटिन्यूस वॉज रीडिंग अ नॉवल, क्लियर हो रहा है। आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कौन बोल रहा है, किससे बोल रहा है, रिपोर्टेड स्पीच उसी के अकॉर्डिंगली चेंज होगी, और रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस पे केयर करना है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब यहां पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट है तो वो करस्पॉन्डिंग पास्ट में जाएगा ही। आ रहा है समझ में अच्छी तरह से? अभी आपको लग रहा होगा कि थोड़ा कठिन है, लेकिन जैसे हम और एग्जांपल्स करेंगे इट विल बी वेरी इजी, बहुत आसान हो जाएगा। जैसे ही सेड टू मी हैव यू बॉट अ बुक, क्या तुमने एक किताब खरीदी है, हैव यू बॉट अ बुक, ही सेड टू मी हैव यू बॉट अ बुक। पहले समझ लीजिए, ये लड़का है, ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या तुमने एक किताब खरीदी है, क्या तुम एक किताब खरीद चुके हो। ठीक, यहां पे सबसे पहले देखिए रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में है। रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा टेंस है, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। यही चीज आप लोगों को मैं इसीलिए चार्ट बना के बताया मैंने, हैज हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, शैल विल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट। यहां पे हैव है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, अब आपका रूल क्या कहता है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, फिर देखिए कौन किससे बात कर रहा है, ही सेड टू मी, इसने ये लड़का मुझसे पूछता है क्या तुमने एक किताब खरीदी है। इस लड़के ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने एक किताब खरीदी थी। ठीक है, समझ में आ रहा है, चलिए बनाइए कैसे बनेगा। ही आस्क्ड मी, हाँ बेटे, ही सेड टू मी, मुझसे पूछा जा रहा है ना, ये मुझसे पूछ रहा है, मैं, तो ये तुम की जगह मैं आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इफ आई हैड बॉट अ बुक, समझ में आ रहा है अच्छी तरह से, क्लियर हो रहा है। एक सेंटेंस में देती हूं, सोचिए, शी सेड टू हर फ्रेंड शी सेड टू हर फ्रेंड डू यू प्ले क्रिकेट
यू प्ले क्रिकेट? शी सेड टू हर फ्रेंड, सोचिए कैसे बनेगा। चलिए बताइए। शी सेड टू हर फ्रेंड, ये लड़की अपने दोस्त से पूछ रही है, अब ये टेंस पहचानो, डू यू प्ले क्रिकेट? क्या तुम क्रिकेट खेलते, या खेलती लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? वेरी गुड, प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलिए बनाइए इसको, आप भी ट्राई कीजिए, यू ऑल्सो ट्राई, कोशिश कीजिए, बोलेंगे तो ही सीखेंगे। शी आस्क्ड हर फ्रेंड, हाँ ठीक है, इफ इस दोस्त की बात हो रही है, ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ही या शी। अब बोलिए, आपको स्टेटमेंट बनाना है बेटा, डू को हटा देना है, है ना। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। वर्ब का सेकेंड फॉर्म ले लीजिए, प्लेड, प्लेड क्रिकेट। आ रहा है समझ में अच्छी तरह से? ऊपर मिटा दूं? देखिए, आई सेड टू द स्टूडेंट्स, वेयर यू सीइंग अ मूवी, I said to the students, were you seeing a movie? बताइए कैसे बनेगा, टेंस पहचानिए, ध्यान दीजिए टेंस के ऊपर और बताइए किस तरह से बनाएंगे। I said to the students, यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में है। रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा टेंस है, नाइस, पास्ट कंटिन्यूस। आपका रूल टू बी क्या बोलता है, रूल टू बी बोलता है कि अगर यहां पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, वेरी गुड, परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए बनाइए कैसे बनेगा, आई, हाँ, आई आस्क्ड द स्टूडेंट्स, आई आस्क्ड द स्टूडेंट्स, आगे इफ मैंने विद्यार्थियों से पूछा, क्या तुम लोग एक मूवी देख रहे थे, तो मैंने विद्यार्थियों से पूछा कि क्या वे, है ना, तो यू की जगह क्या आ जाएगा, दे। इफ दे पास्ट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, हैड बीन, इफ दे हैड बीन सीइंग अ मूवी, ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छी तरह से, बनेगा।
The old man said to the boy, "Are you not going to school?" बनाइए, एकदम सरल है, कोशिश कीजिए। The old man asked the boy, आगे, if तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, लड़के से पूछ रहे हैं, है ना, if लगा दिया आपने, इसको इधर ले जाना है, ये इधर आएगा, ठीक है, तब ये स्टेटमेंट बनेगा, तो यू की जगह क्या आ जाएगा? हाँ बेटे, बोलो बोलो, कम ऑन स्पीक आउट, फांसी नहीं होगी गलत बोलने से, कम ऑन बोलो, जल्दी बोलो। देख, हाँ बेटा, ये बूढ़ा आदमी इस बच्चे से पूछ रहा है, तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, तो तुम शब्द किसके लिए आ रहा है? इस बच्चे के लिए आ रहा है ना, तो इस बच्चे के लिए आ रहा है, लड़के के लिए आ रहा है, तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे उसके लिए? ही, आया समझ में, है ना, इफ ही, अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। इफ ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, इफ ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, आ रहा है समझ में अच्छी तरह से? क्लियर। उसी तरह से The teacher said to the students, "Had you completed your homeworks?" बनाइए। The teacher said to the students, "Had you completed your homeworks?" कैसे बनाएंगे इसको? टीचर ने बच्चों से पूछा, क्या तुम अपना होमवर्क समाप्त कर चुके थे? बेटा यहां देखिए, हैड लगा हुआ है ऑलरेडी। हैड लगा है माने कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट। तो मैंने आपको बताया था, पास्ट परफेक्ट ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो कैसे बनाएंगे? द टीचर Ask the students if students से पूछ रहे हैं, टीचर स्टूडेंट से पूछ रहे हैं, क्या तुम अपना होमवर्क कर चुके हो, कर चुके थे? तो क्या तुम शब्द आया है किनके लिए? विद्यार्थियों के लिए। तो जब आप इनडायरेक्ट में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? क्या वे, बहुत सारे हैं ना, एक होता तो ही बोलते, स्टूडेंट से या, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? इफ दे, आगे बोलिए। अब तो बिल्कुल इजी है, हैड आ जाएगा ही, आपको पास्ट परफेक्ट में कोई चेंजेस नहीं करने हैं। इफ दे हैड कंप्लीटेड, आगे बोलिए, फिर गड़बड़ी कर रहे हो, यू योर दे देयर,
किया है, उन्होंने अपना काम किया है ना। तो इफ दे हैड कंप्लीटेड देयर होमवर्क्स, ओके समझ में आया। और सेंटेंसेस देखेंगे। स्टिल आई फाउंड दैट यू कमिट मिस्टेक्स व्हाइल कन्वर्टिंग द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन। इसलिए मैं कोशिश करती हूं कि वो परफेक्शन आ जाए। She says to me, will you show me your notebook? अब इसमें मेन प्रोनाउंस हैं, अगर आपने पकड़ लिए तो बड़ी आसानी से बना लेंगे। शी सेज टू मी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है? रिपोर्टिंग वर्ब बेटा, आई एम टॉकिंग अबाउट रिपोर्टिंग वर्ब, कौन से टेंस में है? प्रेजेंट। डरते क्यों हैं? एकदम पूरे कॉन्फिडेंस से बोलिए प्रेजेंट टेंस में। जब प्रेजेंट टेंस में रूल वन फॉलो कीजिए, प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब, आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, ठीक है? जो बदलेगी चीज वो है प्रोनाउंस अकॉर्डिंग टू द स्पीकर एंड द लिसनर। शी सेज टू मी, विल यू शो मी योर नोटबुक? शी सेज टू मी, ये लड़की मुझसे कह रही है, क्या तुम मुझे अपनी नोटबुक दिखाओगे? ठीक है, चलिए इसको चेंज करना शुरू करते हैं और एक एक शब्द को ध्यान देते जाइएगा। मुझसे कही जा रही है बात, ठीक है? शी asks me, कंजंक्शन लगाइए, if अब नोटबुक कौन दिखाने वाला है? मुझसे पूछ रही है ना, है ना? तो if I, हाँ I will शो, किसको दिखाना है? इस लड़की को दिखाना है, है ना? इस लड़की को दिखाना है, तो यहां मी की जगह क्या आ जाएगा? हर, हर। इफ आई विल शो हर, किसकी नोटबुक? मेरी नोटबुक देखना चाह रही है, माई नोटबुक। क्लियर हुआ? शी आस्क्स मी, मुझसे पूछ रही है वो, इसलिए कि क्या मैं उसे अपनी नोटबुक दिखाऊंगा, इफ आई विल शो हर माय नोटबुक। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये तो प्रेजेंट में था, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। Said to my friend, will you give me your pen?
I said to my friend, will you give me your pen? समझिएगा, बोलने वाला first person है, अपने दोस्त से कहता है कि क्या तुम मुझे अपना पेन दोगे? ठीक है, चलिए बनाने की कोशिश कीजिए. I asked my friend. If बोलने वाला आई है, बोल रहा है अपने दोस्त से, है ना, अपने दोस्त से बोल रहा है. अब ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है. चलिए बताइए कैसे बनेगा. वेरी गुड. इफ ही और शी, आगे बेटा विल आएगा क्या? ध्यान दीजिए, हमने रिपोर्टिंग वर्ब को पास्ट टेंस में रखा हुआ है. आप विल को किस में चेंज कर देंगे? विल किस में चेंज हो जाएगा? वुड में. विल किस में चेंज होगा? वुड में. इफ ही और शी वुड, आगे गिव, मांग कौन रहा है? मी, मैं मांग रहा हूं, फर्स्ट पर्सन. इफ ही और शी वुड गिव मी, अब इसका पेन चाहिए मुझे, ही या शी का, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? हिज या हर पेन. अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहें तो आप आइदर इसको ही से भी लिखेंगे तो भी ठीक है, ही से लिखेंगे तो हिज पेन हो जाएगा, शी से लिखेंगे तो हर पेन हो जाएगा. आ गया समझ में अच्छी तरह से? प्रोनाउंस प्रॉब्लम कर रहे हैं ना, प्रोनाउंस को समझना बहुत जरूरी है, किससे बात कही जा रही है. अगर इसको आप पकड़ लेंगे तो आसानी से आपसे बनेगा. इसी तरह से एक सेंटेंस और कीजिए. The teacher said to the student, have you been drawing pictures? The teacher said to the student, have you been drawing pictures? अब तो एकदम सरल है, बनाइए. अगर ये आपसे बनता है तो हम ये मान लेंगे कि हाँ, अब आप लोग ये वाले सेंटेंसेस कर लेंगे. The teacher said to the students, किस तरह से बनाएंगे इसको? The teacher ask the student, if ये student है, आप इसको he or she दोनों लिख सकते हैं, है ना, if he or she ये हैव बीन है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. बनाइए. इफ ही और शी हैड बीन ड्रॉइंग पिक्चर्स, बन जाएगा अच्छी तरह से. कि अभी भी आपको प्रॉब्लम है और एग्जाम्पल्स करने हैं, यू विल बी एबल टू डू इट. टुमारो वी विल स्टार्ट WH क्वेश्चंस और क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस.
ध्यान आपको ये रखना है, जो भी मैंने आज आपको बताया खासतौर पे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस अपने इनडायरेक्ट फॉर्म में इंट्रोगेटिव नहीं होते हैं, वो टर्न हो जाते हैं स्टेटमेंट्स में, और जो रिपोर्टिंग वर्ब हम यूज करते हैं वो आस्क, इंक्वायर, डिमांड, इसमें चेंज होती है, हम टेल या से इस तरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं। दूसरी चीज, आप इसमें जो कंजंक्शन यूज करेंगे वो इफ या वेदर होगा, जिसमें इफ ज्यादा यूजुअल है वेदर की अपेक्षा, इफ का इस्तेमाल ज्यादा होता है, वेदर का थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया है। टुमारो विल सी क्वेश्चन व्हाट क्वेश्चंस, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।